दोस्तों पाली महेंद्रगढ़ कबड्डी टूर्नामेंट का एक और बेहतरीन मुकाबला। एक तरफ अमित हुड्डा की टीम है जिसमें दोनों कॉर्नर भाई इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, और मौनी देसवाल अमित हुड्डा और सुरेंद्र नाडा की जोड़ी धमाल मचाएगी इस मुकाबले में। सोहेल दूसरी तरफ संस्कार भारती की टीम, संस्कार भारती भी टीम है मोहित। बेहतरीन मुकाबला देखने को लगा साथियों दोनों टीमों के बीच। मोहित और पंगाली इस समय रेड बट कमाल की अडोपी लग रही है, दोनों को एक ही रेड में पार कर दिया। ये वो खिलाड़ी है जिस पर नजर रहेगी इस मुकाबले में मोनी मोनी देशवाल। मल्टी पॉइंट रेड स्पेशलिस्ट है खिलाड़ी, दावा जरूर किया गया है पर शूट किया था क्या फायदा उठा भाई। रवि पाशा मजसी में पिछले मुकाबले में फर्स्ट राउंड के मुकाबले में कमाल का गेम दिखाया था, एक चार पॉइंट की रेड की थी जिसमें चार खिलाड़ियों को बाहर किया था। अद्भुत ये कला है, मोनी को अगर रोक रहा है तो पूरी टीम को एक साथ होना पड़ेगा। मोहित चार गेंद मैच में, एक तरफ साहिल तो दूसरी तरफ सुरेंद्र नाडा कॉर्नर में। एंकल होल्ड क्या है भाई, एंकल होल्ड के मामले में सुरेंद्र नाडा परफेक्ट है एकदम, जबरदस्त खिलाड़ी। एक नंबर छह थ्री क्वार्टर के ये मुकाबले हैं। डिफेंस जबरदस्त गेम दिखाता हूं, तीन दो स्कोर है, दोनों के दोनों पॉइंट डिफेंस में मिले हैं अमित हुड्डा अकेडमी। संस्कार भारती की वही बात करें तो संस्कार भारती की तरफ से एक मल्टी पॉइंट रेड की थी मोहित ने, इस समय बाहर है मोहित, और एक मोनी को कैच लगाई थी। गरवाल और पसीना रवि ने चिम्मा संभाला है मोहित की गैर मौजूदगी में। पांच नंबर जैसी अमित का एंकल होल्ड है, ये जबरदस्त है सुरेंद्र नाडा का सपोर्ट आया समय का भाई। एक एक कैच दोनों स्टार खिलाड़ी लगा चुके हैं, चाहे अमित की बात करें अमित ने शायद दो कैच लगाए अभी तक, तीन खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल की सिचुएशन। आशीष नरवाल और हसीना दो नंबर हसीना और एम्प्टी राइट,
लगातार सुपर टैकल में आशीष अपने आप को प्रदर्शित करता हुआ खिलाड़ी, फिर से सुपर टैकल की सिचुएशन, अगर एमपी रेड हुई तो अगली डोर डाई रेड होगी। बिल्कुल यहां कामयाबी मिलती हुई, मुश्किल बढ़ती हुई, संस्कार भारतीय टीम की दावा किया है मोनी पर, पॉइंट मिलता हुआ मोनी को बाहर जाना होगा, जो दावा किया गया था उसे स्वीकार किया गया है, मोनी को बाहर जाना होगा, एक पॉइंट मिलता हुआ संस्कार भारती को। आशीष इसे आप कह सकते हैं, बिल्कुल आपने पॉइंट गिफ्ट कर दिया है, मोहित और बंगाली एक जबरदस्त डुबकी लगाई थी पहली ही रन में, वापस मिला है, दो खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल की सिचुएशन, बहुत समय से डाल रही है टीम संस्कार भारती अपने ऑल आउट में, लेकिन भाई शीना पूरी तरह से अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाता हुआ, बोनस का प्रयास लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में, मोहित क्या ऑल आउट डाल पाएगा इतना, बाहर नहीं जाने देंगे, डुबकी लगाई थी सेम पहली रेड की तरह, ऑल आउट मिलता हुआ संस्कार भारती, बहुत समय के बाद रेड में देखा गया है मोनी दे इस बार को, क्योंकि जो पहले रेड की थी उस समय आउट हो गए थे, कैच लगा दी थी संस्कार भारती की टीम ने, उसके बाद एक बार डिफेंस वो करते हुए आउट हुए, और एमपी राइट 10-6 का स्कोर है, 4 पॉइंट की लीड अभी तो ट्रैकर फिक्स है, पास साहिल कहर पर पाता हुआ है डिफेंस, पाली महेंद्रगढ़ कबड्डी टूर्नामेंट की बाकी मुकाबलों पर बात की जाए तो टक्कर देखने को मिली अभी तक, सेम ऐसा ही मुकाबला इस समय चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, मोहित बोनस का प्रयास जरूर किया है, उसका प्रयास जरूर किया है, क्या पैर उठा है, अगर पैर उठा तो भाई बोनस क्लियर दिया जाएगा, बोनस मिलता हुआ, मोहित रनिंग बोनस किया था पिछली रेड में जिसके लिए रिव्यू की मांग की थी सुरेंद्र राणा ने, ये भाई कॉम्बिनेशन टैकल कमाल का, बहुत ही स्पीड में निकल कर आए थे सुरेंद्र, बैक होल्ड करने के लिए सामने से सपोर्ट मिला अमित हुड्डा का, जबरदस्त कॉम्बिनेशन टैकल,
क्या रेड रखो आउट किया जाएगा, लेकिन भाई दोनों प्लेयरों को मोहित वो जो रिव्यू लिया गया था उसे खारिज कर दिया गया है। मध्यांतर तेरे आठ का स्कोर है, 5 पॉइंट की लीड इस समय। अकेडमी के पास मुकाबला एक बार फिर स्टार्ट होता होता था। मध्यांतर के समय अगर स्कोर की बात की जाए तो 8-13 का स्कोर है, 5 पॉइंट की लीड इस समय अमित हुड्डा अकेडमी के पास। अपने हाथ से रूक किया है लेकिन कटा हुआ ओवर उर्फ बंगाली इस समय रेड का जप्पा संभाले हुए खिलाड़ी। साहिल सामने से आए, डबल थाई होल्ड करने का प्रयास था लेकिन कामयाबी मिल गई वो। संस्कार भारती धीरे धीरे वापसी करती हुई टीम। मोनी संभाल भाई बिल्कुल ये कमाल का टैकल है, सेंटर लाइन तक हाथ जरूर पहुंचा लेकिन ऊपर से ऊपर ही घुमा दिया, वापसी कर दी भाई। 10-13 का स्कोर, 3 पॉइंट का अंतर है मात्र, लेकिन दोनों कॉर्नर जो कभी भी मुकाबले को पलट सकते हैं। इस समय कोर्ट के अंदर मेको एक नंबर जर्सी में खिलाड़ी समय काटने का प्रयास। प्रयास है पूरी तरह से अमित हुड्डा टीम का। टाइम आउट लिया है संस्कार भारतीय टीम ने। 4 का डिफेंस, 2 की चेन लेफ्ट में, 2 की चेन राइट में, दोनों में जो स्टार खिलाड़ी है क्या उनको भेज पाएगा ये रेडर सुरेंद्र राणा। अमित हुड्डा भाई कमाल की एक और कैच लगा दिया मित्र, इधर वीडियो डायरेक्ट मोनी देश बड़ा शॉर दोनों तरफ कैच देखने को मिली है। 11-14 स्कोर है, 3 पॉइंट की लीड इस समय। अमित हुड्डा अकेडमी के पास है, क्या एक एक लगी अमित हुड्डा को, बिल्कुल लगी है भाई, तारीफ करनी होगी हाँ मोहित की, जिस तरह का गेम चला है अभी तक मोहित ने अमित हुड्डा टीम को बिल्कुल बैक फुट पर लाकर रख दिया है क्योंकि
मीकू इस समय में, अगर मीकू आउट हुए तो मुसीबत बढ़ जाएगी टीम की, क्योंकि जानते हैं इसके बाद दो खिलाड़ी बचेंगे। सुपर टैकल की सिचुएशन, लेकिन भाई ये दोहरा मानकर खेल आए थे, एक बार गए फिर बचाव किया अपने आप, उसकी वजह से ये घटना घटी और कामयाब मोहित का प्रयास जरूर किया है। कटा हुआ बोनस भाई फिर से ऑल आउट मिलता हुआ लीड में आई संस्कार भारतीय टीम। मोनी ये डिफेंस बहुत मजबूत स्थिति में है, बोनस का प्रयास जरूर किया है। चार मिनट का समय सही सर, समय काट दो मोहित, टाइम आउट लिया है भाई, 17-14 का स्कोर है, 3 पॉइंट की लीड इस समय संस्कार भारती के पास है। आशीष नरवाल और हसीना अभी तक भाई सारे मुकाबलों में वापसी कराई है इस खिलाड़ी ने, क्या यहां से वापसी कराएगा, लेकिन 1 पॉइंट बिल्कुल भाई वापसी का मुद्दा रखता है वही, क्या है पॉइंट अर्जित किया एक और। पंद्रह 17 का स्कोर है, 2 पॉइंट की लीड अभी, 3 मिनट का समय शेष। मोहित इस समय रेड में, साहिल बल्कि भाई इस रेड के साथ मुकाबले को अपने पक्ष में करने के लिए तैयार है टीम। बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहा है और ये तो जरूर लगाई है, क्या 1-1 ईच होगा, भाई इस टैकल के साथ मेरे हिसाब से भाई पूरी तरह से इस मुकाबले में बाजी मारने के लिए तैयार है। संस्कार भारतीय टीम समय काटते हुए, मोहित जानते हैं टीम इस समय अच्छी स्थिति में, लेकिन ये खिलाड़ी भाई मत्ता रखता है वापसी कराने का। मोहित वॉक लाइन क्रॉस की, समय काटने का प्रयास, लास्ट 1 मिनट का समय शेष, लीड है अभी भी 5 पॉइंट की, क्या इस 5 पॉइंट की लीड को काट पाएंगे। मोनी ये खिलाड़ी मज़ा जरूर रखता है, लेकिन यहां जरूर तराशाही करते हुए बिल्कुल आप कह सकते हैं इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने ग्रस्त कर लिया है संस्कार भारतीय टीम ने। मैच समाप्त होता हुआ और भाई संस्कार भारती इस मुकाबले में बाजी मारती है,
थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। भाई संस्कार भारती ने इस टीम को कर दिया टूर्नामेंट से, थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।